तो अब हम करने जा रहे हैं हमारे बुक के चैप्टर नंबर वन का एग्जाम्पल नंबर वन, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। हमें बताने कि जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए आपको रीजन भी देना है कि आप ऐसा क्यों बता रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमारे सामने है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि सारे के सारे जो होल नंबर होते हैं वो एक नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्या ये बात सही है? तो देखें, देखते हैं कि ये सही बोल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होल नंबर में आते क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट तक। और नेचुरल नंबर में कहाँ से होते हैं भाई? यहाँ पे इसमें 1 से लेके होते हैं, 1, 2, 3, 4। अब 1 से लेके इनफाइनाइट तक और इसमें 0 से लेके इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो क्या ये हमें कहीं से भी बात ट्रू लग रही है? वैसे यहां से देखे जाए तो यहां तक तो ट्रू है कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक इसमें भी है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक इसमें भी है। पर जैसे हम देखते हैं 0 को, तो ये बात फॉल्स हो जाती है कि 0 एक होल नंबर है पर वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि सभी के सभी होल नंबर जो है नेचुरल है, पर यहाँ पे सभी होल नंबर्स के अंदर 0 आता है पर वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, इसीलिए हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है किसकी वजह से? 0 की वजह से, कि 0 एक होल नंबर है पर वो नेचुरल नंबर नहीं है। और स्टेटमेंट का कहना है कि सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो होता है वो फॉल्स हो जाता है। तो ये है हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। फिर से हम बात करते हैं इनके बारे में कि इंटीजर क्या होते हैं। मैंने बताया था आपको कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं 0 है, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ये सारे के सारे जो हैं हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई? रैशनल नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि जो भी इंटीजर्स होते हैं इनमें हम, ये हमें देखने में इंटीजर लग रहे हैं, हम इनको रैशनल नंबर्स बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं? इनके नीचे 1 लिख के। तो कोई भी आपका, तो ये आपका एक क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। यानी जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो सबके नीचे आप 1 लिख देंगे तो ये रैशनल के फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाली स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अभी हमने पढ़ा कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, अब यहाँ पे इसका उल्टा बता रहा था। उल्टा तो फॉल्स ही होगा। रैशनल नंबर में तो हम सिर्फ, जरूरी नहीं है ना कि ये अपॉन में 1 आएगा, रैशनल नंबर में अपॉन में कुछ भी आ सकता है। मैं 2/5 लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ, मैं -1/7 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। पर मैं इंटीजर में अपॉन में 1 के अलावा कुछ नहीं लिख सकता। इंटीजर में हमें हमेशा जैसे 1, 2, 3 या -1, -5, -7 कुछ भी है, पर उनके नीचे हमेशा आप 1 ही लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी लिखते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर आप 1 के नीचे 4 लिख देंगे तो ये 1 थोड़ी रहेगा, ये तो 1/4 बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इंटीजर्स में सिर्फ होल नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव होल नंबर्स और नेगेटिव होल नंबर्स, या पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आते हैं। यानी कि उनके नीचे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 1, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। पर रैशनल नंबर जो होते हैं उनके अपॉन में, यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है, बस 0 को छोड़ के। ठीक है, तो रैशनल नंबर में ये सारे इंटीजर्स तो आते ही हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर, क्योंकि इसके अलावा, इन इंटीजर्स के अलावा भी रैशनल नंबर में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे ये बात जो हो जाती है फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो ये
एग्जाम्पल नंबर वन हमने कर लिया। अब सेम टू सेम, जैसे इसमें ये ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, सेम टू सेम हमारे एक्सरसाइज 1.1 में भी जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी इसी पे, वही ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें भी यही ट्रू फॉल्स हमें करना है, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट हमें बतानी है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, अब सेम टू सेम ये है, इसमें भी हमें बस बताना है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसका हमने उसमें उल्टा पढ़ा था, जो हमने एग्जाम्पल किया अभी उसमें उल्टा था कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, वो फॉल्स था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि इसमें उल्टा बोला है उसका कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो फिर से देख लेते हैं कि 4 से लेके इनफाइनाइट 0 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं ये होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं छूट रहा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं छूट रहा जो इसके अंदर ना आ रहा हो, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। अगला अगला है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो क्या आपको ये बात कहीं से भी सही लग रही है कि एवरी इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर वो होल नंबर होते हैं? तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटीजर के अंदर, इंटीजर में क्या क्या आता है, इसमें जीरो आता है, सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, पर होल नंबर्स के अंदर सिर्फ जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं इसमें। तो कह रहे कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो सारे अगर इंटीजर होल नंबर होते तो होल नंबर के अंदर इनको भी होना चाहिए था, पर होल नंबर के अंदर नेगेटिव वाले नंबर्स तो होते ही नहीं है, इसीलिए होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर्स नहीं होते हैं, उल्टा होता है, सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। सारे होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं, पर सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर में नहीं आते, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले नंबर्स हैं जो कि इसमें नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये आपको कहीं से सही लग रहा है? यहां भी देखो सीधी सी बात है, रैशनल नंबर जो की जो कैटेगरी वो थोड़ी बड़ी है, वास्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है और वो छोटे से होल नंबर में नहीं समाएगा। आपको हमेशा यही बातें देखनी है कि कौन ज्यादा बड़ा है, कि हमने किसको पहले पढ़ा। जैसे मैंने आपको जिसको भी पढ़ाया है ना, सीरीज में पढ़ा है कि जो पहले छोटा है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, एक तरह से हमने ऐसे पढ़ा है। तो इंटीजर जैसे हमने इसमें भी देखें कि हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने हमने इसमें भी देखो पहले क्या पढ़ा था, हमने पहले नेचुरल पढ़ा था बाद में होल पढ़ा था, तो सारे ये जो नेचुरल है वो उसके अंदर आ गए, ठीक है। ये छोटा था ये बड़ा था, तो छोटा बड़े के अंदर आ सकता है पर कभी भी बड़ा छोटे के अंदर नहीं आ सकता। अब यहाँ भी हम देखेंगे कि ये था बड़ा इंटीजर, हमने होल नंबर के बाद पढ़ा था, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो सीधी सी बात है बड़ा तो छोटे में आ नहीं सकता, इसलिए फॉल्स हो गया। फिर से हम देख रहे हैं रैशनल नंबर होल नंबर, रैशनल नंबर हमने और बाद में पढ़ा था, ये और बड़ा है, ये बड़ा है, फिर छोटे में पूछ रहे कि क्या ये इसमें आ सकता है, तो नहीं आ सकता। तो फिर से अगर हम देखें कि रैशनल नंबर होता क्या है, तो रैशनल नंबर के अंदर सारे नेचुरल होल इंटीजर्स, ठीक है, ये सारे नंबर आते हैं, इसके अलावा पी अपॉन क्यू वाले जितने नंबर्स हैं, यानी कि जितने भी मैं नंबर लिख दूं फ्रैक्शंस वाले, ये सारे आते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये भी इसमें आते हैं, बस इनके नीचे हम क्या लगा देते हैं, इनके अंदर तो सिर्फ 1 0 नंबर्स ही आते हैं, इनके अंदर ये फ्रैक्शंस वाले नंबर तो आते ही नहीं है जो कि रैशनल नंबर में आते हैं, तो इसीलिए सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। इसका उल्टा हो सकता है कि सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा छोटे में नहीं आ सकता, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है, फॉल्स। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हमारे एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, और अगर है तो आपको इसको लिख के दिखाना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में।
तो हमने जब रैशनल नंबर पढ़ रहे थे मैंने तभी आप लोगों को बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, हर वो नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि ऊपर कोई सा भी नंबर हो सकता है, बस कभी भी नीचे यानी कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता भले ही न्यूमिरेटर 0 हो जाए। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो मैं कहूंगा यस कि 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और क्या मैं इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो हाँ लिख सकता हूं। तो 0 के अपॉन में आप कोई सा भी नंबर लिख दो तो उसका मतलब 0 ही होता है, ठीक है। 0 अपॉन में कुछ भी लिख दो उसका मतलब 0 ही होता है। आप 0/5 लिख दो, 0/7 लिख दो, कुछ भी लिख दो, इन सब का मतलब 0 है, ठीक है। तो ये p अपॉन q के फॉर्म में आ गया कि ये p है ये q है, ठीक है। तो ये p अपॉन q के फॉर्म में भी लिख दिया और 0 एक रैशनल नंबर है। इसके आप अपॉन में 0 के अपॉन में कुछ भी लिखेंगे, कोई सा भी नंबर चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, 0 उसका आंसर जो होता है उसका लास्ट वैल्यू जो होती है वो 0 ही होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके बीच में हमें चाहिए रैशनल नंबर्स, पर ये हमें दिखने में कैसे लग रहे हैं? ये देखने में तो हमें नेचुरल नंबर या होल नंबर के फॉर्म में लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें रैशनल नंबर निकालने हैं तो हमें सबसे पहले इनको रैशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और मैंने कोई भी नंबर जैसे नेचुरल नंबर है या होल नंबर, मतलब नंबर्स हैं, ठीक है, इनको आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो आपको इनके नीचे क्या लिख देना है? 1। इनके नीचे क्या लिख देना है? 1। तो ये बन गए रैशनल। अब ये रैशनल नंबर्स बन गए हैं और अब हम इनके बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें रैशनल नंबर कितने निकालने हैं? वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आपके फर्स्ट टर्म के पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक बार आपने अगर एक क्वेश्चन समझ लिया उसके बाद आप सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबका फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे सब में सेम फॉर्मेट आपको इस्तेमाल करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से समझ लो तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो हमें लिखना है कि वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने भाई हमें? तो 6, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि 6 में कम से कम एक जोड़ेंगे, कम से कम कितना जोड़ेंगे? एक। और ज्यादा से ज्यादा आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो जोड़ दो, ठीक है। हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको 10 की फॉर्म में ला सकते हैं कि हम ऐसा नंबर जोड़ें कि पीछे क्या आ जाए? 0। इससे क्या होता है कि हमारे मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाता है, और कोई बात नहीं है। वैसे अगर मल्टीप्लाई आप 6+1 7 से भी करेंगे तो आप 9th क्लास में हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ देते हैं। 4 जोड़ दिया तो ये 10 बन गया, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मिनिमम आपको 1 जोड़ना है, कम से कम एक तो जोड़ना ही जोड़ना है, उसके अलावा काम नहीं चलेगा, ठीक है। पर उससे ज्यादा आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं 4 जोड़ रहे हैं इसमें, तो 6 में 4 जोड़ दो तो क्या बन गया? 10, ठीक है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 10 विद न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर्स। हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ा फॉर्मेट पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ
कि वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर्स, यानी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। दोनों संख्याओं के अंश तथा हर में 10 से गुना करने पर। तो आपको क्या करना है कि ये जो दोनों नंबर है ना, इसके ऊपर नीचे दोनों जगह, दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 30/10, ये बन जाएगा 40/10। ठीक है, तो इनके बीच के जो 10 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर हैं, वो कौन से हो गए? इनके बीच के कोई से भी आप 6 नंबर लिख सकते हैं, यानी 30 से लेके 40 के बीच में कोई से भी 6 नंबर लिख दो तो वो इनके बीच के रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। यानी अगर मैं लिख दूं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ये हो गए इनके बीच के 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि इनके बीच में आता है। 30, आप 31 की जगह आप 33 से भी स्टार्ट करके 39 तक जा सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं उनमें से। अब मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे 6 + 4 हमने 10 किया, आप इसके अलावा कुछ भी कर सकते थे। आप अगर इसमें सिर्फ 1 ऐड करते तो 6 + 1 7 बनता, और जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 3/1 और 4/1, जब आप मल्टीप्लाई करते 7 से, तो यहाँ पे 21/7 आता और यहाँ पे क्या आता, 28/7। मिनिमम 1 ऐड करते हैं ना, तो बनते हैं जितने हमें चाहिए। कि हमें अगर इनके बीच में 6 नंबर चाहिए थे, तो इनके बीच में देखेंगे आप 6 ही नंबर बनेंगे। ठीक है, 21 से लेकर 28 के बीच के नंबर आप लिख सकते हैं जो कि इनके बीच के 6 दस नंबर है, जो कि है 22/7। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही है कि 22/7 देखने में तो रैशनल लग रहा है, पर इसी को हम पाई की वैल्यू मानते हैं। ठीक है, एक्चुअल पाई की वैल्यू पूरी की पूरी 22/7 नहीं होती है, फिर भी हम इसको लेके चलते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आपके पेपर में भी हो सकता है कि आपके टीचर इसको कंसीडर कर ले एज अ वैल्यू ऑफ पाई, इसीलिए हम इसको नहीं मानते। चलो एक काम करते हैं, हम 7 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम किसी और नंबर से कर लेते हैं, यहाँ पे 8 से कर लेते हैं। जब आप 8 से करेंगे 24/8, और यहाँ भी 8 से करेंगे 32/8। ठीक है, तब यहाँ पे और ज्यादा नंबर्स आपके बीच में अवेलेबल होंगे इसमें। ठीक है, पर अगर 3 और 4 की जगह और कोई नंबर होता तो बिल्कुल वही नंबर्स बनते इनके बीच में, जितने जितने हमने हमें चाहिए थे उतने एग्जैक्ट उतने ही नंबर्स बनते। ठीक है, पर आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 10 से ही करेंगे। ठीक है ना, आप इसमें कितना भी जोड़ सकते हैं, मिनिमम 1 जोड़ेंगे, 1 के अलावा आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि इस वाले क्वेश्चन में आपके दोनों नंबर के नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम थे। ठीक है, पर आपके पेपर में एक कंडीशन ऐसी आती है जब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। ठीक है, तब हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो वो भी आप देख लीजिए। अब देख लेते हैं, अब हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन, मान लेते कोई सा भी रैशनल नंबर मान लेते हैं, हम मान लेते 3/4 एंड 4/5, ये ले लिए मैंने। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जो किया उनके दोनों के डिनोमिनेटर में क्या था, वन, दोनों के हर में क्या था, एक, पर यहाँ पे दोनों के हर जो है अलग अलग हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में फोर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में फाइव है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाते हैं उसके बाद हमारा बिल्कुल सेम प्रोसेस वही चलता है जो हमने अभी किया। तो इसीलिए मैंने ये बात बाकी चीजें नहीं मिटाई। अगर हमें इसके बीच में छह रैशनल नंबर ही निकालने हैं और इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को हम अलग सेम कर लेंगे। तो हम लिखेंगे, फर्स्टली वी मेक द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ नंबर्स इक्वल, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम दोनों संख्याओं के हरों को बराबर करने पर। तो कैसे इक्वल करते हैं हम दोनों नंबरों के डिनोमिनेटर को, हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, आप ये देख लेंगे, ठीक है। कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3/4, यहाँ पे मैंने लिखा 4/5। अब एक तरीका है, या तो आप दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, फिर इनके डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करेंगे और उससे जो आएगा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने सीखा होगा फ्रैक्शन की प्लस माइनस करते वक्त, ठीक है। पर दूसरा तरीका है जो कि काफी आसान है, ठीक है, वो भी एक तरह से एलसीएम ही निकल के आता है इसमें, ठीक है। तो उसमें हमें करते क्या है कि इसके डिनोमिनेटर से, इस नंबर के डिनोमिनेटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस नंबर के डिनोमिनेटर से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या है, फाइव, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर नीचे फाइव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इसके डिनोमिनेटर में क्या था, फोर, तो मैं वो इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 3 15/20, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 4 16/20। तो यहाँ पे अब इनके दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। हमें दो, कभी भी जब दो नंबर निकालने होते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने होते हैं, तो उनके डिनोमिनेटर इक्वल होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम बिना डिनोमिनेटर को इक्वल किए हम उसको नहीं निकाल सकते, ठीक है, इस तरीके से। और वैसे तो निकाल सकते हैं पर इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमने इनके डिनोमिनेटर को अब इक्वल कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये 3/4 बदल गया 15/20 में, और ये 4/5 बदल गया 16/20 में। अब हमें इनके बीच में छह रैशनल नंबर निकालने हैं, तो फिर से हम वही बिल्कुल सेम टू सेम लाइन कि हमें छह रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम छह में मिनिमम कितना भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हमने मिनिमम चार जोड़ लिया, इसको राउंड ऑफ कर लिया। आप ऐसा मतलब आप कितना भी जोड़ सकते हैं, पर हम यहाँ पर राउंड ऑफ करने के लिए इसको फोर जोड़ रहे, ताकि जीरो वाला एक डिजिट आ जाए जिससे हमारे मल्टीप्लाई करने के लिए आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से दोनों नंबर के जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नंबर है एक 15/20 और एक नंबर है हमारे पास 16/20। इसके भी ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से, इसके भी ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से, ये आ जाएगा 150/200, ये आ जाएगा 160/200, ठीक है। तो ये आ गया 150/200 और ये आ गया 160/200। अब आप इनके बीच के छह रैशनल नंबर लिखना चाहते हैं, लिख देंगे इनके बीच के छह रैशनल नंबर। तो 150 से लेके 160 के बीच में जितने भी नंबर हैं आप लिख सकते हैं, 151/200, 152/200, 153/200, 154/200, 155/200, 156/200। तो ये इनके बीच के छह रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, काट के इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी टेबल से कट रहे हैं तो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, पर हमने इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो ये गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके छह रैशनल नंबर निकालना। आप जरूरी नहीं है यहाँ पे छह ही आएगा हमेशा, कुछ भी आ सकता है, पांच रैशनल नंबर निकालने के लिए भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, कितने भी आ सकता है, पर जितने भी आए आप आसानी से निकाल सकते हैं। कि जितने भी आ जाए, पांच आ जाए तो पांच में मिनिमम वन ऐड करेंगे, या वन से ज्यादा आप कुछ भी ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसी तरीके से, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा,
ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम टू सेम हमें स्टेटमेंट्स लिखनी है, कोई इसमें चेंजेस नहीं करना, ठीक है। बस यहाँ पे जो चेंज हो जाएगा ये वैल्यूज, तो बस इन्हीं को हमें बार बार चेंज करके करना है, बाकी करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैं एक आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा अब हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं कि फिर से आपको छह रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 1 एंड 2 अपॉन 3 एंड 1 एंड 3 अपॉन 4। इस बार जो मैंने आपको नंबर्स दिए ना वो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिए, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिए। वैसे इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये उसी तरीके से हो रहा है जैसे बाकी क्वेश्चन आपने किया, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। बस मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि कुछ बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने में दिक्कत आती है, उन लोगों को नहीं पता होता कि मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। तो इसमें आपको करना यही है कि पहले सबसे पहले इन मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज, जैसे आप देख सकते हैं 1 एंड 2 अपॉन 3, आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे 1 एंड 2 अपॉन 3। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो ज्यादातर को पता होगा पर जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि इसको कैसे सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो होल नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले से, ठीक है, और उसमें ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 वन जा 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ये वाला ऐड कर देंगे, 3 वन जा 3, और उसमें ऐड कर देंगे 2, तो 3 और 2 कितना होता है 5, और नीचे क्या आएगा 3, ठीक है। और दूसरा नंबर जो था हमारा 1 एंड 3 अपॉन 4, इसको चेंज करेंगे तो इसको हम करेंगे 4 वन जा 4, 4 के टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 4 वन जा 4, और उसमें ऐड कर देंगे 3, 4 और 3 कितना होता है 7, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो ये दो नंबर हमारे पास आ गए 5 अपॉन 3 और 7 अपॉन 4, ये दो नंबर आ गए। अब हमें इन्हीं दो नंबर्स के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है, यानी कि हमें इन इनके बीच में निकालना था, उन्हें हमें इस मिक्स के फॉर्म मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया था। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे, और सिंपल फ्रैक्शन बनने के बाद इनके हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो ये अब 5 अपॉन 3 है और ये है 7 अपॉन 4। अभी मैंने आपको समझाया था कि इनके डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल किया जाता है, तो इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इसके जो इस वाले का डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे इधर ऊपर नीचे, और इसके डिनोमिनेटर से इधर कर देंगे, हो गए इनके डिनोमिनेटर इक्वल। करेंगे देखो 5 4 जा 20 और 3 4 जा 12, यहाँ करेंगे 7 3 जा 21 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 20/12, यहाँ आ गया 21/12। अब आपको फिर से इनके बीच में क्या निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर्स। तो हम दोबारा से वही सब चीज़ करेंगे जो हमने अभी पीछे दो क्वेश्चंस में किया, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे अगर हमें 6 नंबर निकालने हैं तो मैं 6 में 4 जोड़ देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इस बार हम थोड़ा अलग करते हैं, इस बार हम 4 नहीं जोड़ते हैं, इस बार हम क्या जोड़ें, चलो 1 जोड़ते हैं, जो मिनिमम मैंने बताया था मिनिमम वाला, मिनिमम वाले से करते हैं, 6 में 1 जोड़ के क्या निकाल लेते हैं 7, ठीक है। और इस बार हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, तब भी आप देखेंगे कि इनके बीच में 6 रैशनल नंबर हमें मिल जाएंगे। तो 20/12 और 21/12 दोनों को ऊपर नीचे हम 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके भी ऊपर नीचे 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आता है, और 12 को 7 से करोगे तो 84 आता है, ठीक है। और यहाँ भी 21 को जब 7 से करेंगे तो कितना आएगा 147 आ जाएगा, और 12 को 7 से करेंगे तो 84, ठीक है। अब इनके बीच में आपको क्या निकालना है, 6 रैशनल नंबर, तो आप इनके बीच के 6 रैशनल नंबर लिखेंगे जो कि है 141/84, 142/84, 143/84, 144/84, 145/84 और 146/84, ठीक है। तो ये आ गए इनके बीच के 6 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो एक बात आपको मैं और बता दूं कि हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जो बुक के पीछे आंसर की होती है उसमें
आंसर अलग हो, इनसे अलग हो, ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हो, आप किसी भी दो नंबर के रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो, ठीक है? तो हमने ये नंबर निकालने, तो हो सकता है कि बुक में जो आंसर लिखे गए हैं वो और दूसरे नंबर्स निकाले गए हों, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वाला आंसर गलत है, ठीक है? ना ही गलत ये है ना ही वो है, दोनों ही आंसर सही है। क्यों? क्योंकि हम इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, तो हो सकता है कि बुक में जो आंसर है वो कोई और नंबर निकाले गए हों और हमने जो निकाले हैं वो कोई और हो। तो इसका मतलब ये ना समझे कभी पीछे से मैच करने के बाद कि हमने आंसर गलत निकाला है, ठीक है? अब इसमें इसी वाले क्वेश्चन में हम इनको थोड़ा सिंपल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे पता है जो आपस में डिविजिबल है आप उनको काट के सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बाकी हमारा ये वाला आंसर भी निकल गया, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से हो गया, ठीक है? इसके अलावा हमारे बुक में एक क्वेश्चन और बचता है एक्सरसाइज 1.1 में, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, और वो क्वेश्चन ये है वो भी सेम क्वेश्चन है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। किन के बीच में? 3/5 और 4/5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला आंसर क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इनके दोनों के नीचे डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, हमें इनको इनमें तो डिनोमिनेटर भी इक्वल करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहीं से करना है, ठीक है? कि अगर आपको इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो आप इनको 6 से कम या उससे ज़्यादा आप किससे भी मल्टीप्लाई करके और उनके बीच के रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? और ऐसे ही हम आगे सारे सारे एक्सरसाइज करते रहेंगे एक एक करके, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।